नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। रोज की तरह आज भी करंट अफेयर लेकर आए हैं। आई बिलीव इन ए रिलीजन डेट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। जी हाँ दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। अम्बेडकर जी को उनकी जयंती पर क्योस परिवार की ओर से श्रद्धा ही नमन दोस्तों। और आगे बढ़ते अपनी करंट अफेयर को लेकर दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की दोस्तों 103वीं बरसी 13 अप्रैल 2022 को मनाएगी। और 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसने औपनिवेशिक प्रशासन को दमन कार्य सत्ता प्रदान की दोस्तों, उनके खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों को ब्रिटिश सेना ने बिना किसी उकसावे में गोली मार दी दोस्तों, ठीक है। और ये ब्रिटिश शासन के तहत भारत के सबसे क्रूर उदाहरणों में एक था दोस्तों। बात करें पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अप्रैल 2022 को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। और संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में 12 से 13 अप्रैल तक इसका आयोजन कर रहा है। और केंद्रीय पर्यटन जो है संस्कृति और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी आयोजन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों। साथ ही अमित शाह ने किया गुजरात में नडा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2022 में दोस्तों गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडा बेट दोस्तों, ठीक है, नडा बेट में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में बीटिंग स्ट्रीट, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट समारोह सहित कई आकर्षण है। राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में स्थल पर अजय प्रहरी नामक एक स्मारक बनाया गया दोस्तों। भारत में बने पहले डोर्नियर विमान की उड़ान को दिखाई हरी झंडी। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एवं एम सिंधिया ने 12 अप्रैल 2022 को मेड इन इंडिया HAL डोर्नियर DO-228 की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और अंत में असम के लीलाबाड़ी के लिए परिचालित होगी दोस्तों। एयरलाइंस एयर ने हिंदुस्तान एनोरोटिक्स, ठीक है, एरोनोटिक्स लिमिटेड HAL के साथ भारत में बने डोर्नियर विमान के संचालन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। त्रिशक्ति कोर ने किया दोस्तों तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में EX कृपाण शक्ति का आयोजन, एक्सटेंड, ठीक है। 12 अप्रैल 2022 को त्रिशक्ति कोर ने सिलीगुड़ी यानी WB के पास, वेस्ट बंगाल दोस्तों, पास तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज TFFR में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास EX कृपाण शक्ति का आयोजन किया है दोस्तों। इसका उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता को व्यवस्थित और समन्वित करना था। फायरिंग में सभी हथियारों और हथियार प्रणालियों की मौजूदगी और उनकी गोलीबारी शामिल थी। ACI ने जारी की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची। एयरपोर्ट्स काउंसलिंग इंटरनेशनल ACI वर्ल्ड ने 2021 के लिए दुनिया भर के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची प्रकाशित करी है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ATL पहले स्थान पर है। इसके बाद डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिर डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान है। बाकी दो हवाई अड्डे चीन के हैं और ACI HQ जो है वो दोस्तों हेडक्वार्टर मॉनिटर कनाडा। IIT हैदराबाद ने दोस्तों क्वेस्ट के तहत की पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी। तो IIT हैदराबाद ने 11 से 13 अप्रैल 2022 तक क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट कार्यक्रम के तहत पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है। ये क्वांटम कंप्यूटरिंग, क्वांटम सूचना विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवीनतम अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के साथ IITH के सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी CQST द्वारा आयोजित किया गया था। 38वां सियाचिन दिवस दोस्तों 13 अप्रैल 2022 को, तो भारतीय सेना हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। ये दिवस ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। ये ऑपरेशन 1984 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने साल्टो टोरा रेज लिया सियाला और बिलाफोडला के मुख्य दर्रे की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुंबई को मिली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता।
मुंबई को अर्बन डे फाउंडेशन के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ये हैदराबाद के बाद इस सम्मान को पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया जिसे लगातार 2 वर्ष ये खिताब जीता था। मुंबई ने कुल 4,25,000 पेड़ लगाए और 25,000 स्वयंसेवी घंटों तक कार्य करने की मान्यता प्राप्त की है। UNFO मुख्यालय दोस्तों इसका रोम में है। और भारत और सिंगापुर ने आयोजित की पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला 12 अप्रैल 2022 को मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सिंगापुर सरकार ने अवैध गैर सूचित और अनियमित IUU मत्स्य पालन पर एक आभासी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में 8 EAS सदस्य देशों और 4 ज्ञान भागीदारों में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया कंबोडिया चीन इंडोनेशिया न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य आदि देशों ने भाग लिया। IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने रविचंद्र। राजस्थान रॉयल्स के रविचंद्र अश्विन अप्रैल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेल के दौरान रिटायर्ड आउट होने वाले IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 23 गेंदों में 28 रन बनाए और T20 क्रिकेट में नए नवाचार के रूप में स्वागत किया गया। प्रत्येक गेंद को अधिकतम करने के लिए टीमों द्वारा रिटायर्ड आउट किया जाता है, ठीक है, रिटायर्ड को आउट किया जाता है। देन यदि कोई बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान किसी भी कारण से रिटायर हो जाता है तो उसे रिटायर आउट माना जाता है। बात करें दोस्तों, लॉयड ने सौरभ गांगुली को बनाया EIM का ब्रांड एम्बेसडर। लॉयड ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली को पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह इस सहयोग के एक हिस्से के रूप में प्रचार विज्ञापन और विपणन के माध्यम से लॉयड के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की श्रेणी का समर्थन करेंगे। गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं और लॉयड के उत्पाद पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनर वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर LED TV शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम जो आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए थे दोस्तों 13 अप्रैल 2022 की जो हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप अपने करंट वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और ये आफिका चैनल है KOS किरण ऑनलाइन स्टडी हरदम आफिका साथ देता है दोस्तों। आफिका चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में बेल आइकन दिखेगा, इसे भी प्रेस कर इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।